गुड इवनिंग दोस्तों क्या हाल चाल कैसे हैं आप लोग सभी लोग कमेंट करी कि आप लोग उपस्थित हो चुके हैं जो लोग आ चुके हैं गुड इवनिंग आपके कमेंट का मुझे इंतजार है और हम सब जानते हैं कि आज इस क्लास में हम सब के उपस्थित होने का जो मेन मकसद है वो बिहार को लेकर कि बिहार को कैसे निकाला जाए हम लोग जिस बैच की स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम राहुल सर ने उमीद Yeah. उस बैच का नाम उम्मीद क्यों रखा है कमेंट करते रहिए आप लोग फटाफट कमेंट करिए आपका कमेंट हाँ आदित्य कुमार गुड इवनिंग कमेंट भी करते रहिए ताकि सब लोगों से हमारी बात हो सके ये ओरिएंटेशन क्लास है बेसिकली आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और क्या करना चाहिए हमको कैसे करना चाहिए इन सब के बारे में थोड़ा बहुत आज बात करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज आपको क्लासेस कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे किस तरीके से आप पढ़ेंगे और कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इसमें राहुल सर भी होंगे मैं भी रहूंगा और भी बहुत सारे दिल्ली और पटना के एक्सपर्ट टीचर्स रहेंगे तो एक बार जल्दी सभी लोग आ जाए और अपने कॉमेंट गुड इवनिंग का बताइए कि आप लोग आ गए फिर हम लोग इस सिलसिला को आगे बढ़े बताइए भाई कितने लोग आ चुके हैं जो लोग आए हैं अपना उपस्थिति दर्ज कराइए क्लास वाला प्रेजेंट सर प्रेजेंट सर वाला बचपन में तो आपने कराया ही होगा प्रेजेंट प्रेजेंट सर प्रजेंट सर है ना तो भाइयों हम बिहार एस की बात कर रहे हैं ना ऑलमोस्ट जितने लोग फॉर्म भरे होंगे उनको इसकी जानकारी होगी कि इसका एग्जाम लगभग आज से यानी मैं यदि आज के डेट की बात करूं सताइस ट्वेंटी सेवन ऑफ अगस्त तो आज से लगभग तीन से चार महीने बाद होने वाला है क्या मैं सही कह रहा हूं एक बार फटाफट बताइए आप लोग क्या मैं सही कह रहा हूं क्या मैं सही कह रहा हूं जल्दी बताइए कमेंट आपका नहीं आ रहा आप लोग कमेंट करते रहिए इसका एग्जाम लगभग लगभग तीन महीने बाद मिनिमम तीन महीने बाद होगा होगा बात तो आपको भी पता यानी सितंबर सितंबर चल चल रहा रहा है है अगस्त अक्टूबर नवंबर या तो लास्ट नवंबर में होगा या दिसंबर में पेपर होगा आपका आपका ऑलमोस्ट जो टारगेटेड पेपर कब होने वाला है दिसंबर या नवंबर में मैं मानता हूं दिसंबर के स्टार्टिंग में होगा दिसंबर में तो रहा बात की सर आप तीन महीने में आपको कैसे तैयारी करना है और हम लोग आपको क्या कराने वाले हैं कैसे पूरी टीम जो डीएम राहुल सिन्हा सर की टीम है वो आपको क्या-क्या जी कुमारी सपना अधित्या, सबका मोस्ट uh, अच्छा, जोट्यूब के, के आज आज बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब पे हमको देखा है आपसे फटाफट बताइए पहचानने वाले लोगों कमेंट तो करो भाई फटाफट स्पीड सिल ऐसा हो तुम तुम हम हम नहीं होना चाहिए अभिषेक कुमार जान रहे यूट्यूब अच्छा? पे बहुत सारी क्लासेस सर राहुल सिन्हा सर के यूट्यूब पे पड़ा हुआ है बेसिकली मैं अपना नाम बता दू मेरा नाम मृत्युंजय कुमार हुआ और आ, मैं यदि अपना इंट्रोडक्शन दू तो मैं दिल्ली के एक कॉलेज में असिस्टेंट uh, प्रोफेसर भी हूँ uh, और उसके अलावा मैं स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो एशिया के टॉप कॉलेज uh, है उस कॉलेज से मैंने मास्टर्स किया हुआ है दिल्ली फैकल्टी ऑफ लॉ से मैंने एल किया हुआ है है ना और ये लगभग लास्ट पांच सालों से दिल्ली और पटना पटना में तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ राहुल सर के साथ दिल्ली में लास्ट पांच सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मोटे तौर पे ये मेरा इंट्रोडक्शन था मेरा नाम मृत्युंजय कुमार हुआ है ना मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाने जाऊंगा आ, पढ़ाने चल रहा हूं वो पढ़ाऊंगा जो मैं सब्जेक्ट वो इकोनॉमिक्स हिस्ट्री के कुछ सेक्शन को सेक्शंस को भी पढ़ाऊंगा और करंट अफेयर ये तीनों सेक्शंस मैं खुद लूंगा बाकी राहुल सर हिस्ट्री के कुछ सेक्शंस को लेंगे बाकी पटना और दिल्ली के टॉप टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे लेकिन आज का ओरिएंटेशन क्लास हम किताबों से हटकर अपनी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि क्या हमको कैसे पढ़ना चाहिए मैं कैसे इसको क्रैक करना चाहिए कैसे निकालना चाहिए बिकॉज ऑफ दैट होता क्या है कि आपको सब कुछ पता होता है आप जानते हैं कि अर्जुन से कम अभिमन्यु नहीं था लेकिन अभिमन्यु नहीं जान पाया था कैसे भेदना है जब वो लड़ने लड़ने गया तो उसको भेदने की कला नहीं प्राप्त थी इसीलिए वो हार गया था तो सबसे ज्यादा आपके जीवन में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे यार तो वो इंपॉर्टेंट है क्या आपका अपना स्ट्रेटजी हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस हाउ टू हैंडल द क्वेश्चंस हाउ टू हैंडल द टाइम मैनेजमेंट एंड देन यू एग्जामिनेशन बिहार और रोजगार पाने का बहुत अच्छा माध्यम है आदित्य जी एस डी एम सर का तबियत थोड़ा सा खराब है आ, तो सर आज नहीं आएंगे कल आएंगे आज मुझे आना है आज मेरा क्लास हो रहा है आ, देख लीजिए ठीक है सर कल आएंगे ठीक तो मैं क्या कह रहा था सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि कैसे हो सकता है कल या परसों परसों में आपको एक SSC के टॉपर टॉपर से टौपर से मैं मीटअप कराऊंगा जो मेरा बैचमेट था जो मेरा रूममेट था एस एस सी सिर्फ बिहार नहीं किया बल्कि एस एस सी जेल में भी टॉप किया है तो उससे भी मैं मीटअप कराऊंगा आप लोगों से ऑनलाइन ही दिल्ली से एड कराऊंगा अभी तो वो पोस्टेड दिल्ली में है तो कि कैसे क्या करना चाहिए आपको और क्या आसान होता है बहुत तोप नहीं पढ़ना होता है मेरे साथ रहता था तो कम पढ़ता था देखिए सफल है लेकिन हाँ स्ट्रेटजी के साथ पढ़ता था टेस्ट देता था समझ गया ना बात तो खैर आइए आज की हम बात कर रहे हैं कि तीन महीना हमारे पास है तीन से ज्यादा नहीं मानना है लेकिन चार महीने के पहले आपका पेपर भी मोटे तौर पर नहीं होने वाला है ठीक है ना तो तीन महीना मान लेते हैं हम टारगेट है हमारा इस तीन महीना में हमको कैसे क्रैक करना है क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए तो जीवन में यदि आपको क्रैक करना है यदि किसी भी काम में सफल होना है तो सबसे पहले आप उसकी कमजोर कड़िया को जानिए कि हमको किन किन कड़ियों पे वार करके जीत लेना है तो हम इसको देखेंगे कि आखिर पहले से सिलेबस में कहां, -कहां से प्रश्न पूछा है और फिर हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी है ना इस कुमार गुप्ता कह रहे हैं कि सर मैथ्स कैसे होगा रीजनिंग कैसे होगा मैथ्स के भी बहुत ही टैलेंटेड टीचर आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग के भी शानदार टीचर आपको पढ़ाएंगे आई आप प्रोमिस एकदम निश्चिंत रहिए और मैं कोशिश करूंगा हम सब कोशिश करेंगे कि सिलेक्टेड टीचर पढ़ाएं आपको ये भी मैं बता दे रहा हूँ है ना कोई सिलेक्टेड टीचर आपको मैथ्स पढ़ाता हुआ मिलेगा निश्चिंत रहिए तो तीन महीने दिसंबर तक होने वाला है ठीक इस बैच का स्टार्ट हम लोग आज से कर रहे हैं कल से आपका क्लास लगना स्टार्ट हो जाएगा राहुल सर 9 बजे रात को आपका क्लास लेंगे ध्यान रखिएगा बाकी क्लासेस आपका दिन में होगा राहुल सर रात को 9 बजे क्लास लेंगे बाकी सारे क्लासेस रात को 9 बजे राहुल सर का साहब का क्लास होगा है ना बाकी दिन में होंगे कल आपका पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा ध्यान रखिएगा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा भी क्लास कल से स्टार्ट हो जाए ठीक ये दोनों स्टार्ट हो जाएंगे लेकिन आपको कैसे पढ़ना है और क्या क्या करना है इस पर हम लोग बात करेंगे क्या आप लोग तैयार है कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लूशेंट या किसी भी तरह से अपनी तैयारी को बिहार एस का किया है एक बार शेयर्स करिए द हैंड बताइए एक बार सभी लोग फटाफट लेट नहीं है ना देरी का मतलब मुनासिब नहीं है आदित्य जी ने कहा कि हम पढ़ रहे हैं सर कितने बजे से क्लास होगा कुमारी सपना पूछ रही है देखिये बेसिकली क्लास डे में ही रखा जाएगा आप लोग राय दीजिए हम लोग तो सोचे हैं कि शाम इवनिंग में क्लास रखे आपका क्या मन है बताइए राहुल सर का क्लास तो रात को नौ बजे होगा देखिए एकदम एग्जैक्टली क्लियर बात है

सुनो ध्यान से हिस्ट्री उसके अलावा पॉलिटी हिस्ट्री हो गया मैथ्स रीजनिंग ना और क्या होता है साइंस जो मेजर सेक्शन है ये चार सेक्शन आपको रिजल्ट वाला सेक्शन ध्यान रखिएगा ये कौन सा सेक्शन है रिजल्ट यदि आपने इन पांचों पे पकड़ बना लिया तो रिजल्ट धूमधाम से हो जाएगा उसके अलावा इकोनॉमी जो हम बी में मानते हैं इकोनॉमी दूसरा तीसरा क्या है इकोनॉमी के अलावा करंट अफेयर सी ए करंट अफेयर और उसके अलावा और कोई सब्जेक्ट बच रहा है जी पॉलिटी हो गया इकोनॉमी हो गया हिस्ट्री हो गया और ज्योग्राफी ज्योग्राफी और इसमें एक सेक्शन से और क्वेश्चन पूछता है बिहार स्पेशल आप जानते हैं कि नहीं बिहार स्पेशल जिन लोगों ने दिया होगा हम सिलेबस पे भी बात करेंगे थोड़ी देर में लेकिन पहले हम जान ले कि पढ़ना हमको कैसे है और किस तरीके से ठीक है कुमार गुप्ता जी ठीक है देखा जाएगा हम आपसे सर्वे कर लेंगे हम आपसे बात कर लेंगे टेलीग्राम ग्रुप में सभी लोग ज्वाइन कर लिए हैं या नहीं नहीं किया है तो कर लीजिएगा इन सभी सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है आपको पता होगा और सबसे अच्छी बात इस बैच की क्या है कि इस हिस्ट्री को लीड कर रहे हैं हमारे राहुल सर एस साहब और हिस्ट्री से सबसे ऑलमोस्ट जीएस में सबसे अधिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो एक अकेले हिस्ट्री से आ जाता है जानते हैं ना आप तो हिस्ट्री से आ जाता है और इसको लीड कर रहे हैं एसडीएम साहब राहुल सिन्हा सर तो आपके लिए तो हैप्पी बात है खुशी की बात है कि सर ही इसको लीड कर रहे हैं फिर क्लास कैसे होगी ये भी बताएंगे दूसरा मैथ्स और रीजनिंग देखिए हम आपको पर्सनल प्रैक्टिस बता रहे हैं कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों गेम किसका है प्रैक्टिस का है मैथ्स राहुल सर भी आपको बताएंगे वो तो खुद ही इंजीनियर है मैथ्स पढ़ाते हैं बहुत शानदार ही मैथ्स पढ़ाते हैं और मैथ्स हम लोग कोशिश करेंगे कि, कि किसी सिलेक्टेड टीचर से पढ़ाएं सिलेक्टेड है ना सिलेक्टेड अधिकारी से मैं नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन बहुत जल्दी वो सिलेक्टेड आदमी आपके साथ होगा तो इस तरह रीजनिंग के टीचर पढ़ाएंगे जितेंद्र सर पढ़ाएंगे वो भी अच्छे टीचर हैं वो पढ़ाएंगे ठीक साइंस बात साइंस का साइंस भी दिल्ली के टॉप टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं ध्यान रखिएगा साइंस भी दिल्ली के टॉप टीचर पढ़ाने वाले हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ लेकिन सवाल आता है कि आप

आपने पढ़ा तो है ही बचपन से पढ़ ही रहे हैं तो हमारे बैच में क्या यूनिक कराया जाएगा तो बेसिकली हम लोग प्रोग्राम लेकर आए हैं जिस, जिसको लीड खुद खुदी राहुल सिन्हा सर कर रहे हैं हम, है। हम सबके बैच में कराया यह जाएगा कि जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ाया गया है ना मान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ाया जा रहा है जैसे ही आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे उस टीचर को पढ़ाने के बाद यूट्यूब पर या आपके क्लास में ही 20 एमसीक्यू कराएंगे और आपका टेस्ट लेंगे कि आपने कितना स्कोर किया है आप कहाँ गलती कर रहे हैं और वीकली हर संडे को या हर सैटरडे को राहुल सर आपसे आपके मार्क्स पूछेंगे कि आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं और उस मार्क्स के हिसाब से आपको एनालिसिस किया जाएगा कि आपकी कमजोरी कहाँ है आपको यदि किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है जिस टीचर से बात करना है वो टीचर आपको इंडिविजुअली गाइड करेगा और बताएगा कि आपको कैसे बेहतर करना है पहला दूसरा की मैपिंग के साथ आपका क्लास चलेगा कि किस मैप पे कैसे आ, किस मैपिंग मैप से कैसे याद करना है मान लीजिए हिस्ट्री में ही आपको सेक्शन पढ़ रहे होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ध्यान से सुनिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप मान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही पढ़ रहे होंगे आपको पता है हिस्ट्री में कहां से क्वेश्चन आता है सबको पता है अठारह से लेकर और उन्नीस के बीच में आता है अब सवाल आता है कि अठारह के आंदोलन के बाद क्या क्या पढ़ना होता है ध्यान से आई एम न्यू कैन देन यू बेनिफिशियली फॉर मी एज ए विगिनर ठीक है आदर्श अब ध्यान से सुनिए कैसे पूछा जाता है यदि आपने लूशंट को पढ़ा होगा या किसी भी बुक को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा हिस्ट्री में सबसे ज्यादा शिक्षण अठारह के आंदोलन से लेकर उन्नीस तक आता है तो आप कैसे पढ़ेंगे क्वेश्चन आता है, तो है पीर अली खान से क्वेश्चन आता है सेन से क्वेश्चन आता है अब देखिए आपका ध्यान होना चाहिए अठारह सो सौ संतावन के बाद अगला सेक्शन क्या होना चाहिए कांग्रेस के पूर्व की संस्थाएं उसके बाद कांग्रेस का, का स्थापना उसके बाद कांग्रेस का अठारह सौ पचासी अठारह सौ छियासी अठारह सौ सतासी अठारह सौ अठासी चारों उसकी स्थापना उसके बाद 1905 बंग भंग आंदोलन उसके बाद 1906 मुस्लिम लीग अधिवेशन उसके बाद 1907 सूरत अधिवेशन उसके बाद 1909 मार्ले मुंटे सुधार अधिनियम उसके बाद 1911 जॉर्ज पंचम का आना उसके बाद 1916 लखनऊ समझौता उसके बाद 1916 में ही होम रूल लीग आंदोलन होम रूल लीग की स्थापना हो जाना आपको याद होगा उसके बाद उन्नीस उसके बाद उन्नीस में एनी बेसेंट का कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनना उसके बाद उन्नीस सौ में क्या हुआ है मेरे भाईयों उन्नीस में जाली वाला बाघ हत्याकांड उन्नीस उन्नीस में मॉरले सॉरी मॉन्टेग्यू चेंसफोर्ड सुधार अधिनियम उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन 1921 है ना गांधी जी का अरेस्ट हो जाना 1922 गांधी जी के बुखार होने के बाद छूट जाना 1930 में स्वराज दल का बनना 1925 में सरोजनी नायडू का कांग्रेस का अध्यक्ष बनना 1927 में स्वराज की मांग को वाल मारना 1928 में नेहरू बिल का आना उन्नीस में क्या होना मेरे भाईयों लाहौर अधिवेशन होना उन्नीस में क्या हो जाना गांधी जी का प्रोएक्टिव हो जाना आपको याद होगा और 1931 में कराची अधिवेशन होना 1932 में गांधी जी का गुल में सम्मेलन में हिस्सा लेना 1932 में ही क्या हो गया कम्युनल अवार्ड का घोषणा होना और गिरवदा जेल से गांधी जी ने पहला आमरण अनशन किया 1935 भारत सरकार शासन अधिनियम उन्नीस सौ कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी और हरिपुरा जिसमें राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता का कमान संभालना और सुभाष चंद्र बोस को दूरी बना लेना डिस्टेंस बना लेना कांग्रेस के साथ आजाद हिंद फौज का गठन करना 1940 मुस्लिम लीग में अलग अधिवेशन होना और मुस्लिम लीग का ये बताना कि अब हम अलग राष्ट्र की मांग करते हैं और गांधी जी का उन्नीस छोड़ो आंदोलन पैंतालीस कैबिनेट मिशन का आना कैबिनेट मिशन के पहले क्रिप्स मिशन का आना उसके बाद माउंट बेटन योजना बनना और देश का आजाद होना सिक्वेंस से हमने आपको बताया या नहीं बताया ना इसी सिक्वेंस से आपको आपके टीचर पढ़ा रहे होंगे जब आप आपके क्लास में पढ़ेंगे तो आपको स्टोरी की तरह हम याद करा देंगे प्रॉमिस करते हैं हम आपको इस तरीके से एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे आंदोलन नहीं किए थे गांधी जी के गुरु ने बताया था कि दो सालों तक जब तुम भारत में आना अस्थायी रूप से आंदोलन करने तो दो सालों तक तुम भारत में अपने आंख को खोलकर जुबान को बंद करके रखना तब 1917 में पहला आंदोलन गांधी जी ने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की बात को मानते हुए प्रारंभ किया था मजा आएगा यदि स्टोरी के साथ हम लोग पढ़ेंगे तो और जैसे मैंने हमने ये स्टोरी बता दी आपको जैसे जो भी टॉपिक आपके टीचर पढ़ा रहे हो उस टॉपिक के बाद आपको मान लीजिए स्टोरी टेलिंग की तरह हम लोग पढ़ाएंगे मैपिंग बताएंगे मैपिंग की कैसे कहाँ क्या होता है है ना मैपिंग और उसके बाद तुरंत एमसीक्यू आपके टीचर आपके क्लास में डिस्कस करा रहे होंगे उसके बाद आपसे पूछेंगे कि यदि बीस क्वेश्चन थे तो इस बीस क्वेश्चन में क्यों आपके दस क्वेश्चन सही हुए क्यों आपके बारह हुए क्यों नहीं पंद्रह हो पाए इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि आपको विशेष तौर पर दिक्कत है आप टीचर से बात करिए और नहीं तो प्लीज बैच छोड़ दीजिए क्लियर बात है हमें उसी को पढ़ाएंगे राहुल सिन्हा सर सीधे बोले हैं कि जो पढ़ेगा हम उसको पढ़ाएंगे और यकीन मानना मेरे दोस्त यदि तुम ठान लोगे तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है बहुत धूमधाम से बहुत बड़ा तोप्रॉकेट साइंस नहीं है हम लोग तो प्री मेन्स आठ आठ घंटे पढ़ाते हैं वो बच्चे पढ़ लेते हैं आप यदि डेली तीन घंटा भी पढ़ते हैं ना धूमधाम से सिलेक्शन हो जाएगा हम आपको बताएंगे कैसे आपको प्रैक्टिस करना है हमारे टीचर्स बताएंगे राहुल सर बताएंगे हमारी टीम बताएगी समझ गए ये रहा आपके क्लास का मॉड्यूल जो मैंने मॉड्यूल्पल के तौर पर दिया अब आइए आते हैं कि क्या पढ़ना होगा क्या सभी लोग एक बार बता दीजिए सभी लोग कॉमेंट करके बताइए क्या ठीक है यह दिस इज द गुड मॉडल यस और नो कमेंट करके बताइए क्या आप तैयार हैं ऐसे पढ़ने के लिए यस और नो जल्दी बताइए भाई कमेंट करते रहिए ऐसा तो नहीं कि डर गए हाँ आदित्य जी एमसी हम लोग एक्सैक्टली exactly, इस पर हम लोग फोकस दिए। हमारी टीम इज वर्किंग नाउ फॉर योर एंड क्लियर अब दूसरा बात यह है कि पहले अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि बैच स्टार्ट हो गया जिनको आना है वो लोग आ जाएं फी तो बहुत ही मिनिमम है आप भी जानते ही है फी का तो कोई खास वैल्यू है नहीं फी बहुत ही मिनिमम है और राहुल सर खुद इसको मेंटर कर रहे हैं तो क्या ही कहना क्या आप चलिए अब थोड़ा सा मैंने क्यों हिस्ट्री ही आपको बताया था तो आइए ये, ये रहा आपका सिलेबस ध्यान से सुन लीजिए सिलेबस को देख लीजिएगा बिहार एस का यह सिलेबस है आप देख ही रहे होंगे और इसमें क्या क्या है सिलेबस पहले प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन जीएस में क्या आता है पहले इतिहास उसके बाद आर्ट एंड कल्चर है ना पड़ोसी देशों का इतिहास इतिहास ही है ये हिस्ट्री मान लीजिए उसके बाद क्या आता है पॉलिटी मतलब में आप क्यों पूरा पॉलिटी को पढ़ने के चक्कर में पढ़े हैं भाई जहां से क्वेश्चन पूछता है उसी को पढ़िए ना ज्ञानी नहीं बनना है यू वन अ ट्राई यून यू वन अक द एग्जामिनेशन यू डोंट वॉन्ट टू मेक अ लेजेंड गाय नहीं आपको विद्वान नहीं बनना आपको एग्जाम निकालना है तो उसके लिए अपने टॉपिक सिलेबस को प्रीवियस के वे में पढ़ के सिलेबस को क्लियर करने का प्रयास करना है वो हमारे टीचर्स राहुल सिन्हा की पूरी टीम ये सब करने के लिए आपके सामने रहेंगे पूरी टीम के साथ आर्थिक परिदृष्य बिहार का योगदान की है ना पुरस्कार खेल खिलाड़ियों से संबंधित मतलब बहुत ज्यादा नहीं पूछने वाला सामान्य विज्ञान भौतिकी रसायन साथ, जीव विज्ञान इसमें सबसे ज्यादा जो मेन रोल होता है ये रसायन शास्त्र का होता है और जीव विज्ञान का होता है भौतिकी से यानी फिजिक्स से कम क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारे टीचर्स उसी तरीके से डिजाइन करेंगे आपको पढ़ाएंगे जहां जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वहां से ज्यादा पढ़ाएंगे जहां से कम पूछता है वहां से कम पढ़ाएंगे ठीक है

जनरल नॉलेज सामान्य विज्ञान गणित और मानसिक क्षमता आप जानते होंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम आपका टाइम लेंगे और हम आपको क्यों ऐसा प्री और मेन्स दोनों की बात कर रहे हैं सुनिए आइए प्री और पेपर वन और दूसरा मुख्य परीक्षा मेन्स मेरे भाई प्री जब आप पढ़िए तो आपको भी पता है कि भारतीय राष्ट्रीय मान लीजिए कि अठारह की क्रांति अठारह में हुई थी प्री में तो मेंस में वो अठारह तो हो नहीं जाएगा तो मेरा कहना यह है कि आप प्रीलिम्स को इस मेथेडोलॉजी से पढ़े प्रीलिम्स और मेन्स दोनों कवर होते हुए तीन महीना में आप कर लीजिए हम कभी यह नहीं कहेंगे कि आप आइए आपको वनडे एकदम हम सिर्फ वो चीजें पढ़ा दे जिससे प्रीलिम्स निकल जाए मेंस नहीं निकले नहीं हम दोनों इस तरीके से कंसाइज वे में हमारे टीचर आपको लेकर चलेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ कवर होता चलेगा क्या आप इसके लिए तैयार हैं आप यही चाहते हैं या सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना चाहते हैं फटाफट बताइए द हैंड सभी लोग बताइए आप अपना राय दीजिए भाई कमेंट फास्ट कमेंट बोलिए जल्दी सर बिगनर के लिए कितना हेल्पफुल होगा एकदम सर एकदम बिगनर के लिए भी ये हेल्पफुल होगा 110% परसेंट हमने कहा तो कि हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम आसमा के चांद हो या जमी के सितारे हम वो तैराक हैं जो आस्मा के चांद और जमी के सितारे दोनों को समझ लेते हैं एकदम निश्चिंत रहिएगा प्री प्री और मेंस दोनों को लेकर हम लोग चलेंगे और वही आस्मा के चांद और जमी के सितारे इन दोनों को एक साथ हम लेके चलेंगे कभी आपको फर्क ही नहीं पता चलेगा कि आप कैसे पढ़ लिए हैं दोनों को ठीक है ना चलिए प्री मेंस दोनों को पढ़ाएंगे एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस साथ में कराते चलेंगे दूसरा बात youtube पे हमारा प्रयास YouTube पे भी रहेगा कि YouTube पे आपका डेली एक दो सेशन हो मेरा आपने सेशन देखा होगा नहीं देखा हो तो एक चले जाइएगा सरकारी एग्जाम्स विस आर क्लासेस चैनल है उस पर हिस्ट्री के बथेरे टॉपिक मैंने करा रखे हैं उन टॉपिकों के एमसीक्यू को कर लीजिएगा बाकी मैं आगे भी कंटिन्यू क्लास करता रहूंगा यूट्यूब पे फ्री में उससे डेली प्रैक्टिस करिएगा तीसरा तीन चार चैनल को नहीं देखना यूट्यूब पे एकदम एक चैनल क्लास करना है नोट्स प्रॉपर बनाना है प्रैक्टिस डेली करना है इवनिंग में जो पढ़ी है उसका प्रैक्टिस करना है और बताना है कि सर हमसे यहाँ ये नहीं हो पाया है कहा आपको कमी हो गया आप हर सैटरडे को मिलेंगे मैं भी मैंटर में रहूंगा राहुल रहूं सर भी रहेंगे और बताएंगे कि हाँ आपका यदि यहाँ कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है आप कहा कमी कर रहे हैं इन सब के बारे में हम सब बात करेंगे ठीक है आइए अब थोड़ा सा हम इससे हटकर सिलेबस के बाद आपको पता है क्या होता है इसमें भाग्य में सामान्य अध्ययन होता है इसमें पचास क्वेश्चन होता है सामान्य विज्ञान और गणित इसमें पचास होता है रीजनिंग पचास होता है तो रीजनिंग का तो अपना सेक्शन है आप भी जानते हैं और सामान्य विज्ञान में इसमें सबसे बड़ा वेटेज किसका होता है तो बायोलॉजी और साथ में किसका मेरे दोस्त तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का फिजिक्स से थोड़ा सा बिहार आर एस कम क्वेश्चन पूछता है बिहार आर एस का ये नेचर रहा है अभी लास्ट में हम ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम पे चलेंगे अभी हम चल रहे हैं धीरे धीरे सामान्य अध्ययन पचास इसमें हिस्ट्री का बड़ा मेजर रोल है आप भी जानते हैं उसके बाद पॉलिटी उसके बाद करंट अफेयर आप भी जानते हैं जिसके बारे में मैंने बताया ये करंट अफेयर हिस्ट्री तो खुद राहुल सर लीड करेंगे और कुछ सेक्शन हम लेंगे पॉलिटी भी अमित सर पढ़ाएंगे आपको कुछ दिन में पता चल जाएगा तो जिससे जहां जितने जैसे हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो ये आपका काम होना चाहिए जस्ट यू विल एक्स्ट्रा फोकस ऑन द हिस्ट्री अब ये नहीं कि हमको अच्छा लगता है इकोनॉमिक्स तो हम इकोनॉमिक्स खूब पढ़े जा रहे हैं और क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछता है एकदम गलत तरीका है एकदम ना आपको करना है ना हम करने देंगे सीधा बात है आपका परफॉर्मेंस वीकली खराब होगा हम आपको क्लास से बाहर करेंगे क्लियर बात है चलिए अब सिलेबस देख लेते हैं कहां से कितना क्वेश्चन पूछा है 2018 के पेपर का ये सिलेबस है यदि आप ध्यान से देखेंगे

दूसरा मॉडर्न इंडिया मॉडर्न इंडिया राहुल सर तो खुद पढ़ा रहे हैं तो आप भी जानते हैं एसडीएम साहब पढ़ाएंगे तो खुद कुछ कहने की बात ही नहीं है है ना मॉडर्न इंडिया उसके बाद प्राचीन इतिहास इतिहास ये मध्यकालीन मैं पढ़ाऊंगा प्राचीन इतिहास मैं पढ़ाऊंगा नंबर का स्पेशल भी मैं पढ़ाऊंगा यानी पांच चार नौ नंबर मैं ही पढ़ाऊंगा चलिए अब आ जाइए आपको हिस्ट्री रसायन शास्त्र से ज्यादा क्वेश्चन आया है मैंने बताया आपको रसायन शास्त्र इसको भी मैं हैंडल कर रहा हूं सवाल यह आता है कि आप यदि मैथ्स रीजनिंग ध्यान से सुनो मैथ्स मैथ रीजनिंग है ना और हिस्ट्री और साथ में करंट अफेयर और साथ में ये क्या नाम है रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान दस आठ अठारह अठारह दस अट्ठाईस अट्ठाईस दस अड़तीस और अड़तीस और ये मान लीजिए पचहत्तर अड़तीस पचहत्तर कितना हुआ बताओ मैथ्स तो पता ही होगा अड़तीस और पचहत्तर कितना हुआ आठ पाँच तेरह सात तीन दस एक ग्यारह एक, एक सौ तेरह क्वेश्चन यदि आप सही कर देते हैं आपको लगता है कोई रोक लेगा इससे कट ज्यादा कटा जा रहा है हाँ वाह आदित्य जी हम अभी और मजा आएगा अभी आप लोगों ने राहुल सर को पढ़, पढ़ाते हुए देखा कहा स्टोरी की तरह एक सौ तेरह बना लेंगे तो छूटेगा नहीं छूटेगा ना तो आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि जहां से ज्यादा आता है उसी तरीके से हम लोग आपको प्रैक्टिस भी उसी तरीके से कराएंगे प्रैक्टिस भी वीकली ऐसे ही कराएंगे जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है वहां से ज्यादा रखेंगे अभी हमने भारत के भूगोल को नहीं छुआ है राज्य व्यवस्था को नहीं छुआ है ताकि हम इस सब कवर कराएंगे तो आप धूमधाम से क्रैक कर रहे हैं इस तरीके से करेंगे तो अब आइए जान लीजिए क्या होता है पेपर के बारे में आपको तो पता ही होगा कि पेपर वन में सामान्य हिंदी क्या होता है मुख्य परीक्षा की बात होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है और दूसरा दो घंटा पंद्रह मिनट यानी साठ साठ बारह और दस 135 मिनट ये 150 क्वेश्चन होते हैं इसमें 6 सौ अंक होता है इस 150 क्वेश्चन में मेरे दोस्त यदि आपने सॉरी सो, 150 सौ क्वेश्चंस को भी आपने सही तरीके से सही कर लिया तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है आराम से आप सेलेक्ट हो जाएंगे और मैंने तो आपको अभी दिखाया कि आप एकदम धूम से बहुत सारे क्वेश्चंस को छोड़ के आप 113 क्वेश्चन कर रहे हैं कोई रोक लेगा नहीं लेकिन तब जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक हो प्रैक्टिस ठीक हो और आपका तरीका वे ऑफ स्टडी अच्छा हो तब और उसके लिए हम क्या करेंगे हन आदर्श जी थैंक यू हम उसके लिए क्या करेंगे ध्यान रखिए हम उसके लिए करने जा रहे हैं क्या भाई

यही है ना इस ऑनलाइन में भी इस पेपर को कौन करा रहा है टीसीएस जो एसएससी को कराता है। आप के लेबल है होते हैं। हम करेंगे आपको टीसीएस के पूछे हुए प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी हमारी यूट्यूब पे हम कराएंगे है ना टीसीएस के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं चाहे हिस्ट्री हो चाहे वो ज्योग्राफी हो चाहे वो पॉलिटी हो चाहे करंट अफेयर का जो नेचर है पॉलिटी हो चाहे करंट अफेयर का नेचर है ना सीए या साइंस इन सब को कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं मैं कराऊंगा आपको यूट्यूब पर मैं आपके क्लास में इसका एनालिसिस भी लूंगा कि आप वीकली कितना इंप्रूव कर रहे हैं बिना आप अपने आप को एनालिसिस किए नहीं कर सकते क्या आपको यह प्लान अच्छा लगा क्या आप तैयार हैं कल से पढ़ने के लिए जल्दी बताइए यस और नो यस और नो तैयार है पढ़ने के लिए कल से इसी प्रोग्राम पे बोलिए कोई बात नहीं प्रतिमा जी आई विल आई प्रोमिस टू यू आपका साइंस एकदम शानदार हो जाएगा लिख के रख लीजिए चलिए तो अब हम लोग आते हैं सिलेबस की तरफ कल से हम डीएम सर कब आएंगे आदर्श जी कल आएंगे भाई आदर्श जी <laughs> कल आएंगे आइए अब आते हैं कल से आपको हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं कल से आपका पॉलिटी का क्लासेस स्टार्ट हो रहा है पॉलिटी ठीक है कल एसडीएम सर आएंगे तो ठीक है नहीं आएंगे तो कल मेरा क्लास

कोशिश कर रहे हैं या तो मैथ्स राहुल सर ही पढ़ा दें तो बहुत बेहतर है नहीं तो कोई सिलेक्टेड टीचर ही पढ़ाएगा सिलेक्टेड का मतलब है कि जो जॉब में है वो पढ़ाएगा निश्चिंत रहिए हम हमारी पूरी टीचर की टीम वो मिलेगी जो सिलेक्टेड है है ना ऐसा कोई टीम नहीं होगा जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है हवाबाजी किया जा रहा है शानदार शिक्षकों की टीम पढ़ाएगा और यकीन मानिए आप सफल हो जाएंगे यदि आप ठान लेंगे यदि हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे आपको कोई नहीं रोकेगा आप बहुत धूमधाम से सफल हो जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक खुला हुआ है आपको यदि कोई समस्या हो कुछ पूछना हो आप पे मैसेज कर है पूरा, पूरा पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पर भी क्लासेस चलती रहेंगी यूट्यूब पर प्रैक्टिस के लिए कि आपका प्रैक्टिस होते रहे एमसी की उसके लिए क्लासेस चलती रहेंगी चैनल का नाम सरकारी एग्जाम जो मेन चैनल है जिसपे आपने वीडियो देखा होगा उस पर

कि कैसे आपको बताया जाए कब कौन सी क्लास है मॉर्निंग में आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि कौन टीचर कब कब पढ़ाएगा मॉर्निंग मॉर्निंग में Morning में आपको शेड्यूल मिल जाएगा आपके टेलीग्राम ग्रुप पे सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में होंगे शेड्यूल भेज दिया जाएगा कौन टीचर कब पढ़ाएगा राहुल सर का यदि क्लास होगा तो वो राहुल सर तो खासतौर पे रात को ही पढ़ाएंगे राहुल सर रात को ही पढ़ाएंगे ठीक है ना राहुल सर नाइट में पढ़ाएंगे मेरा क्लास होगा मृत्युंजय सर का तो देखता हूं मैं आपको जैसा कंफर्टेबल होगा मैं उसी हिसाब से सा क्लास ले लूंगा मेरे क्लास बहुत सारा होता है लेकिन मेरा एक वाई पे यूट्यूब पे जरूर क्लास चलेगा डेली इवनिंग में वो साढ़े सात बजे से उसको जरूर देखिएगा ठीक है आदित्य जी वो सब छोड़िए बैंड हो जाएगा नहीं हो जाएगा तो हम व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे ये कहानी भी है तुम हमें डराओगे कि हम तेरे हिस्से के हम तेरे हिस्से में खैर नहीं बैठेंगे हम यार बदल लेंगे टेलीग्राम से हम कहा आ जाएंगे

फेमस टीचर हैं सुशांत सर पढ़ाएंगे ज्योग्राफी सी के करण सर पढ़ाएंगे दिल्ली के बहुत टॉप टीचर हैं उसके अलावा मैथ्स पढ़ाएंगे एक टीचर दीपक सर उसके अलावा आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे जितेंद्र सर मतलब सारे शानदार टीचरों की टीम आपको पढ़ाएगी ठीक है तो आज का सेशन हम लोग यही खत्म करते हैं फिर मिलेंगे कल से क्लास में आप लोग तैयार है ना पढ़ने के लिए सभी लोग बताइए तैयार हैं एकदम प्रैक्टिस करना है डेली एमसी को करना है और पूरे थियोर क्लास को ध्यान से करना है और कल हम रूटीन बता देंगे कौन टीचर कितना पढ़ाएगा कितने टाइम में खत्म तो कराया जाएगा आर यू रेडी टू एवरी बताइए तैयार है ना तो चलिए गुड नाइट टू एवरी फिर मिलते हैं कल क्लास में मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम पे चला जाएगा है ना रेडी टू गेट जब बिल्कुल रही रहिए सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है मेरे भाई बेरोजगारी जैसा दंश भगवान किसी को ना दे इस बेरोजगारी से निकल के रोजगार में आने के लिए बहुत ही शानदार मौका है इसको छोड़ना नहीं है एकदम से अपना लेना और फिर मैं ये बात कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि बहुत तो मेहनत करना है कुछ नहीं बस शेड्यूल से टाइमिंग से डिसिप्लिन से चलना है कोई आपको नहीं रोकेगा डिसिप्लिन रहेगा कोई नहीं रोकेगा डिसिप्लिन नहीं रहेगा तब गड़बड़ा होगा ठीक है ना तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल क्लास में आज के लिए धन्यवाद हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खूब मन लाकर पढ़ना है और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है मस्त रहना है सोचना नहीं है ना गुड नाइट टू एवरी